बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद के पोश इलाके में एक लड़की और लड़के पर तशद्दुद और उनकी बरहना वीडियो बनाने के हवाले से जो उस्मान मिर्ज़ा गिरफ़्तार हुआ था और उसके हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स कल की वीडियो से लेकर अब तक हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक बात एक चल रही है कि क्या उस्मान मिर्ज़ा की ज़मानत हो गई, इसमें कितनी हकीकत है, ये बात किस चीज़ को बेस बना पर की गई और क्या वाकई उसकी ज़मानत हो गई है। दूसरा आपको बताऊंगा कि क्या उस्मान मिर्ज़ा को जब गिरफ़्तार किया गया था उससे चंद लम्हे पहले क्या हुआ था। एक और अहम डेवलपमेंट वो है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस हवाले से क्या बताया गया और उन्होंने इसके ऊपर क्या हुक्म दिया। पुलिस तफ्तीश में अब तक कितने डेवलपमेंट हुई है और पुलिस को उस्मान मिर्ज़ा ने इस सारे मामले के हवाले से क्या कहा है और जो लड़की और लड़का विक्टम्स थे इस सारे मामले का उनके हवाले से अब तक क्या इतलात हैं, ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह हकायक पर मबनी आपके सामने रखूंगा। और सबसे पहले आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स में तो लिख रहे हैं, साथ में मुझे पर्सनल मैसेजेस भी कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस की गई हैं जिनके थंबनेल्स पर मिसलीड करने की कोशिश की गई है इस केस के हवाले से, और बाकायदा तौर पर लिखा गया कि जी शायद कोई ज़मानत का मामला है और कोई ऐसी बात हो गई है। इसकी बेस क्या है मुझे भी पता है कि आखिर इस किस चीज़ को बेस बनाकर इस हवाले से बात की गई। एक तो सबसे पहली बात, जो लोग कानून को समझते हैं, जो इस सारे मामले को समझते हैं कि होता क्या है, मुलजमान जिस्मानी रिमांड पे और जिस्मानी रिमांड के ऊपर ज़मानत जब तक ये आगे पेश नहीं करेंगे उस वक्त तक ज़मानत का कोई सीन नहीं होता, इसलिए ये ऐसी बात करना ही बेवकूफ़ी है कि कोई बंदा कह दे कि जी उसकी ज़मानत हो गई है। और ज़मानत पर मुझे मैसेजेज आए हुए हैं पर्सनल मैसेजेज में व्हाट्सएप पर कि जी उसकी कोई ज़मानत हो गई है, पहले तो आप ये कन्फर्म करें। फिर एक मज़ा सदीकी साहब है मेरे व्यूअर हैं, वो मुझसे पूछते हैं ज़रा ये कन्फर्म कर दें कि जी VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो मेरी तीन चार लोगों से, अल्लाह का शुक्र है, तीन चार लोगों से बात हुई है, पुलिस में बात हुई है, जो रिपोर्टर्स इस केस को कवर कर रहे हैं उनसे बात हुई है, जो मेरे ज़राए मुझे बताइए तफसील सारी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो इस केस में जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि उस्मान मिर्ज़ा का चौथा साथी भी गिरफ़्तार हो गया है। तीन साथी उस्मान मिर्ज़ा, फरहान और अताउर रहमान ऑलरेडी गिरफ़्तार थे, इनके घर वालों से भी मेरी बात हुई है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो करूँगा उनका क्या मौक़िफ़ है और हो सकता है कि इनके घर वालों का इंटरव्यू भी आपकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रखूं। बहरहाल ये जो है चौथा इनका नामजद मुलजम जो है वो भी गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस को उसके मोबाइल फ़ोन से लड़की की जो है फाश वीडियो भी मिली है। बहरहाल अदालत ने जो है उसका भी जिस्मानी रिमांड ले लिया है और जो है इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि वो मुतासरा लड़की तक पहुँचने की भी कोशिश कर रहे हैं। और SHO आसिम गफ़ार जो है उनका ये कहना है कि वो मुतासरा लड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मज़ीद तफसीलात ली जा सकें। रेप वाला एक मामला इस केस में थोड़ा सा उलझा हुआ हुआ है क्योंकि जो मुलजमान हैं वो किसी भी किस्म के रेप से इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने ज़द्दोकोब किया है। आगे चल के आपको बताता हूँ कि उस्मान मिर्ज़ा ने पुलिस तफ्तीश में मज़ीद क्या चीज़ें बताई हैं। वो कहते हैं हमने ज़द्दोकोब ज़रूर किया लेकिन हमने रेप नहीं किया। अब पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है लड़की मिल जाए ताकि उससे पूछा जा सके रेप के हवाले से और फिर उसके हवाले से भी इन्वेस्टिगेट किया जा सके। बहरहाल अगर खातून वो कहते हैं मज़ीद कार्रवाई चाहती है तो वो आगे की जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ इस ज़मानत के हवाले से क्या बात है। ज़मानत के हवाले से जी असल में हुआ ये था जो मैंने आपको थंबनेल पे लिखा है कि जी इसके पहले क्या हुआ था, हुआ ये था कि जब ये गिरफ्तारी वाला मामला हुआ था तो उस्मान मिर्ज़ा की एक वीडियो है, वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी, मेरी नज़र से वो गुजरी है, उसमें वो कह रहा है कि साड़ियाँ जमानतं भी हो जानियां ने, इतने कोई एडा वड्डा केस नहीं थे, पहले भी जमानतं होंदियां ने ते हुण भी हो जाणगियां। इस चीज़ को बेस बनाकर जमानत वाली वीडियो की गई है और उसके हवाले से ही बताया गया कि जी कोई जमानत जमानत हो गई है। बहरहाल कोई जमानत नहीं हुई है, पुलिस कस्टडी में है। अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले मेरी बात हुई है, पता चला है कि वो पुलिस कस्टडी में है और स्पेशल जो प्रोटोकॉल है और VIP प्रोटोकॉल इसके हवाले से भी खबरें दी जा रही थी। SP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान साहब से बात हुई, वो कहते हैं कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। ये भी कहा जा रहा था कि शायद उनका कोई वो अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करवा रहा उस्मान मिर्ज़ा, तो वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसी भी कोई बात नहीं है, बाकायदा तौर पर जो है ऐसे लोग जिनमें हैवानियत का अंसर हो उनके साथ किसी किस्म की गुंजाइश नहीं बरती जा सकती। SP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान कहते हैं, वो कहते हैं कि जी उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उसने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसके मुताबिक ये फ़्लैट उसने किराए पर लिया हुआ था और इस फ्लैट से मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि आपके फ़्लैट के अंदर एक लड़का और लड़की घुसे हुए हैं। मैं जब वहाँ पर गया तो मैं ड्रंक था,
मैं नशे में था, ये चीज़ उसने तस्लीम की है पुलिस के सामने। और वो कहता है कि मैं ड्रंक था, लिहाजा मैंने वहाँ जाकर बदतमीज़ी की, जदोकोब किया, जो वीडियो में मौजूद है मैंने वाकई किया, लेकिन मैं रेप नहीं किया। मगर बहरहाल पुलिस एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि हम तमाम पहलुओं पर इस पर तफ्तीश कर रहे हैं और जो 7 लोग मुलविस थे उनको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि चेक किया जा सके कि ये मामला कहाँ तक था और ये मामला कहीं इसका दायरा जो है इसकी तफ्तीश का मज़ीद वसी किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब ये वीडियो वायरल हुई थी तो महकमा दाखिला की तरफ से खसूसी हिदायत जारी की गई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद के 22 थानों के SHO और मुलजमान जो है वो लग गए थे इन लोगों को तलाश करने में और बड़ी मेहनत से इन्होंने उसी दिन इन मुलजमान को, 3 मुलजमान को सेम डे ही गिरफ्तार कर लिया था और उठा लिया था घर के। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये केस हो गया बहुत ज़्यादा अहमियत का, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। ये मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब तक भी पहुँच गया है और जो है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पुलिस को जो है ये हिदायत की है कि मुलजमान के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कहा, उन्होंने IG इस्लामाबाद काजी जमीलुरहमान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने राबता किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर तशद्दुद के वाक़े की तफसीलात हासिल की हैं। इमरान ख़ान साहब का ये कहना था कि तमाम मुलजमान को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की और उन्होंने कहा कि उस्मान मिर्ज़ा के केस को मिसाल बनाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा कुछ करने की जुर्रत ही ना करे। बहरहाल ये केस है, अभी मज़ीद इसकी तफ्तीश चल रही है और मैं जैसे आपको बता चुका हूँ इसको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ और जितनी भी चीज़ें फैक्ट्स पर मबनी होती हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कोई ज़मानत नहीं हुई, झूठ बोला जा रहा है, मिसलीड करने की अगर कोशिश की जा रही है थंबनेल के ज़रिए भी, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कोई VIP प्रोटोकॉल है। ज़ाहरी बात है आप भी, मेरा ख्याल से कॉमन सेंस तो हर बंदे में होती है, वो केस जिसका वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया हो, वो केस जिस पे IG को काले हो रही हो, वो केस जिस पे सोशल मीडिया पे कल रात से और TV शोज़ में बात हो रही है, उस केस में ज़मानत हो जाएगी, उस केस में VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा, मेरा ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। बहरहाल PSP मुस्तफ़ा तनवीर एक दफ़ा फिर जिक्र करूँगा, बड़ी मेहनत की उन्होंने, और उसके अलावा यहाँ पे जो DIG इन्वेस्टिगेशन भी हैं, जो और लोग भी हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, उनके भी मुसलसल जो है वो इसके ऊपर जो है अपडेट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और इस केस को अच्छे तरीके से डील करने की जो है उनकी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश भी है और उम्मीद है इंशाल्लाह वो जो विक्टिम लड़की है वो मिल जाएगी और लड़का भी, और उनसे मज़ीद जो है तफसीलात जान के वो कह रहे हैं कि इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें कि कहीं और भी लोग विक्टिम्स तो नहीं हैं, इसका दायरा कार वसी करके कहीं और लोग हमारे सामने आ जाएँ जिनको ये RED ब्लैकमेल कर चुके हों, पैसे ले चुके हों, वरना वीडियोज़ बना चुके हों, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये लोग ये करते थे। बहरहाल ये सारा मामला यहीं तक है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब झूठ है और सब अफवाहें हैं। बाकी ये मामला अभी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस इसके ऊपर मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अफवाहों पे कान ना धरें और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग करें, सबके फ़ायदे में होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।